तो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करेंगे लो एंड पीसी एज वेल एज मीडियम रेंज पीसी पर जो गेम्स है जो बेस्ट वर्क करेंगी। तो इनमें गेम रैंडमली सिलेक्ट हुई है, कोई शूटिंग है, कोई रेसिंग है, एज वेल एज कोई सिमुलेटर गेम है। तो बात करते हैं हमारी पहली गेम की तरफ जो है फार क्राई 3, जो कि एक ओपन वर्ल्ड पर सेट हुई है, जिसका हाईली रियलिस्टिक ग्राफिक है। इसकी जो स्टोरी लाइन है वो सभी गेमों से इसको अलग बना देती है। इसकी स्टोरी एंड में क्या होता है, क्रू होता है, उनको एक पैराग्लाइडिंग का लाइसेंस मिलता है, तो वो पैराग्लाइडिंग कर रहे होते हैं, पर वो गलती से किसी और आइलैंड पर लैंड हो जाते हैं, जिस आइलैंड का नाम होता है रूफलैंड आइलैंड। तो उनमें क्या होता है, एक डिटेक्टर का राज होता है, तो वो उनको किडनैप कर लेता है, एंड वहीं से इस गेम की जो स्टार्टिंग होती है स्टोरी की। तो वो उनके साथ फाइट करते हैं, उनको रेस्क्यू करने होना वहाँ से, एंड मोस्टली इसमें हमारे जो एनिमीज हैं वो वाइल्ड लाइफ भी है एज वेल एज नेचर भी है, एज वेल एज के इनके डिटेक्टर के जो आदमी छुड़े गए हैं उनको भी मारना है। इसमें बहुत सारे मिशन हैं जो इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट गेम है वो है मैड मैक्स। मैड मैक्स एक एक्शन एडवेंचर एंड ओपन वर्ल्ड गेम है। यहाँ पर इसकी स्टोरी की बात करूँ तो सभी कंट्री एक न्यूक्लियर वॉर डिक्लेयर कर देती हैं, तो उनमें से क्या होता है कि जो सारा वर्ल्ड होता है ना वो एक रेगिस्तान बन जाता है, एंड हमारे जो एक कैरेक्टर है स्टोरी की बात करूँ तो इसका जो नाम है वो है मैक्स, जो कि गेम के में दिखता है मैड मैक्स। तो इसको क्या होता है, इसकी जो फैमिली होती है वो न्यूक्लियर वॉर में मर जाती है, एंड एक ऑफिसर होता है जो कि अपने आप को रेस्क्यू करता है, क्योंकि इसमें एक इमॉर्टल आदमी होता है वो इनको पकड़ लेता है, तो इसको मारने की कोशिश करता है, पर वो ऐसे तैसे करके वहाँ से रेस्क्यू होता है, एंड वहीं से हमारी जो स्टोरी है एज वेल एज हमारी जो गेम वो स्टार्ट होती है। तो ये एक ओपन वर्ल्ड पर सेट है, इसमें आपको बहुत सारे जिसके ग्राफिक हैं एंड जिसकी रियलिस्टिक आपको मिल जाएंगे, बहुत यार कतई जहर बनाई हुई है गेम ये। तो जो इसकी नियर अबाउट स्टोरेज चाहिए वो 20 GB की नियर अबाउट है। अगर आप इस गेम को प्ले करना चाहते हो तो जरूर इस गेम को प्ले करिए। एंड जो हमारी थर्ड गेम है वो मेरी फेवरेट है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन। तो अमेजिंग स्पाइडरमैन से मतलब स्पाइडरमैन, तो ये क्या मतलब है, एक्शन एडवेंचर हाई ग्राफिक वीडियो गेम है एंड ओपन वर्ल्ड पर सेट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फाइटिंग सीन्स एज वेल एज द स्किल्स आपको गेन करने को मिल जाती हैं। जब आप इस गेम को प्ले करोगे ना तो ये लगता ही नहीं है एक गेम है, क्योंकि इस गेम का जो रियलिस्टिक है इतनी ज़्यादा बनाई गई है कि इसमें अपना जो इंटरेस्ट है वो 100% आता है अपने आप। इसका जो स्टोरी मिलती है वो हमें सभी लोगों को मतलब है पीटर पार्कर की स्टोरी मिलती है, तो उसमें मिशंस मिलते हैं, लॉट ऑफ मिशंस होते हैं जो एक नॉर्मल पीटर पार्कर भी करता है एज वेल एज स्पाइडरमैन बनके भी हमें करने पड़ते हैं। तो इसके जो ग्राफिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल ग्राफिक है, एंड इसके जो कट सीन है भाई क्या ही बात करूँ उनकी, तो मतलब यू शुड हैव टू प्ले दिस गेम। एंड ये गेम नियर अबाउट 10 GB के आसपास है, तो आई थिंक यू शुड प्ले दिस गेम। तो बढ़ते हैं हमारी फोर्थ गेम की तरफ, तो है मड रनर। तो ये एक सिमुलेटर गेम है, तो इसमें हमें बहुत सारे व्हीकल्स मिल जाते हैं, एंड ये सिंगल प्लेयर गेम है। इसमें क्या होता है, हमें माउंटेन्स, रिवर एज वेल एज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें क्रॉस करनी होती है इन मिशन को कंप्लीट करने के लिए। तो जब हम मिशन कर रहे होते हैं तो वो एक ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट जैसा हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। तो गेम की जो ग्राफिक की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है एज वेल एज मतलब जब पीसी के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, एंड एक 2 GB गेम है तो बहुत ही बढ़िया गेम है। तो ये लो एंड डिवाइसेस के लिए तो बेस्ट गेम है। तो बढ़ते हैं हमारी जो लास्ट गेम है वो है ग्रिड अर्थबोर्न। अगर आप फैन हो ना कि रेसिंग गेम्स के, तो यार ये गेम आपके 4 चांद लगाने वाली है आपके इंटरेस्ट में। तो क्या है इस गेम में, जो इसका मैकेनिज्म है बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया गया है, एंड डिवाइसेस पर जो लो एंड पीसी पर तो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो जब इसकी रेसिंग होती है ना तो वो आर्केड रेसिंग है, नॉर्मल रेसिंग नहीं हो। तो आर्केड रेसिंग में क्या होता है, एक ओपन वर्ल्ड जैसा हमें टोटली ओपन वर्ल्ड मिल जाता है रेस करने के लिए। तो बट क्या होता है, इसमें जो मल्टीप्लेयर भी है भाई लोग, क्योंकि इतनी ज़्यादा पुरानी गेम है उसमें मल्टीप्लेयर मिल रहा है आपको, तो क्या ही बात, तो आप अपने फ्रेंड के हिसाब से खेल सकते हो। तो दीज आर द 5 गेम्स दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू, एंड आई होप आप लोगों इस गेम को जरूर ट्राई करोगे। एंड अगर आप चाहते हो कि आपके टॉपिक पर मैं वीडियो डिस्क्लोज करूँ, तो गाइस प्लीज कमेंट डाउन बिलो, एंड आई विल श्योरली मेक अप 1 वीडियो ऑन योर टॉपिक। तब तक के लिए टेक डाउन गेमर वर्ल्ड, बाय बाय।